खबर मध्य प्रदेश के खंडवा से। सहपराज खंडवा के नगर पालिका निगम चौराहे पर खंडवा नगर की आक्रोशित जनता ने किया नगर पालिका का घेराव। हम आपको बता दें, खंडवा नर्मदा लाइन पाइपलाइन की जांच होना चाहिए, इसके लिए किया गया घेराव। पिछले कई दिनों से खंडवा की आम जनता पानी की किल्लत से हो रही है परेशान। देखिए पूरी खबर IBN 24 न्यूज पर फरीद मंसूरी के साथ। हम पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भूख हड़ताल का मुख्य कारण ये है कि खंडवा में कृत्रिम जल अभाव इन्होंने बना के रखा है। वर्षों से खंडवा पानी के लिए त्रस्त है। इसी योजना के अंतर्गत नर्मदा जल योजना लाने की प्लानिंग हुई थी। नर्मदा जल योजना में इतना भ्रष्टाचार हुआ और पानी के का कृत्रिम अभाव करके जान करके एक पानी का संकट उत्पन्न किया गया, क्योंकि बिस्वा कंपनी निजी हाथों में इनको पानी को देना था। पूरे भारत में कहीं भी पानी का निजीकरण नहीं है और खंडवा में निजीकरण किया गया और मीटर लगाए गए, करोड़ों रुपए खाए गए और ऐसा जलाभाव पैदा किया गया। हम लोग ये चाहते हैं, हमारे यहाँ 8-8 दिन 20 दिन पानी नहीं आ रहा। माता बहने गरीब मजदूर स्टूडेंट परेशान है, अपन देखते युवा परेशान है, कोई नौकरी पैसे वाला जा नहीं पा रहा नौकरी पे, उसको पानी भरना पड़ रहा। पानी हमारा ह्यूमन राइट्स है। आज हमने भ्रष्टाचार, जिसके कारण दुनिया के सारे अत्याचार होते हैं, उसका प्रमुख कारण सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है, जिसके कारण सब अत्याचार होते हैं। हमने भ्रष्टाचार का पुतला जलाया, क्योंकि मुख्यतः हम देखेंगे कि भ्रष्टाचार के कारण ही हमको इतनी समस्या है व्याप्त हो रही है देश में और खंडवा में। आपने इसके आंदोलन किया और इसके आगे क्या राजनीति आपकी? हमने आंदोलन इसलिए किया कि एक एक व्यक्ति को पानी मिले, पानी घर घर पहुंचे, सब लोगों को बहुत जल है खंडवा में। हमारा नागचून है, सुखता है, उसका गहरीकरण किया जाए। ये प्राकृतिक जो जल स्रोत है उसको पुनः जीवित किया जाए, जिससे खंडवा में भविष्य में किसी प्रकार की कोई पानी की समस्या निर्मित ना हो। इसके बाद इसके बाद भी हम आंदोलन सतत करते रहेंगे। हमारी 3 मांगे मुख्यतः है। एक तो हमको पानी किसी भी स्थिति में, जो हमारा ह्यूमन राइट से मानव अधिकार है, वो किसी भी स्थिति में दिया जाए। सेकेंड मांग है हमारी कि इस नर्मदा जल, माँ नर्मदा की जो जल योजना में घोटाला हुआ है, उसकी मजिस्ट्रियल जांच किए जाए और थर्ड की निजीकरण रद्द किया जाए कैसे भी करके। ये हमारी मांगे है। इसके लिए हम आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे, इसके बाद रहेगा तो अमरण अनशन करेंगे। वंदे मातरम, भारत माता की जय।